टीवी और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म फिरंगी को प्रमोट करने में जोर शोर से जुटे हैं। हाल में दैनिक भास्कर काम से बातचीत के दौरान कपिल ने अपनी फिल्म के अलावा निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ खुलासा किया। दूसरों को आप खूब हंसाते हो, लेकिन क्या खुद की जिंदगी में खुश हो? कंबल में सिर छुपाकर कई रातें रोकर गुजारी है मैंने। लोगों को हंसाता हूँ, लेकिन खुद बहुत इमोशनल हूँ। फिलहाल कुछ महीनों से इतना टूट चुका हूँ कि हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता हूँ। वक्त ताकतवर होता है, सब सही हो जाएगा। शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं फिलहाल शादी से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। पिछला एक साल मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, पहले मैं उससे बाहर आना चाहता हूँ। रही बात शादी की, तो हाँ, मेरी माँ और घर वाले बहुत पीछे पड़े हैं, लेकिन किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। जो लिखा होगा वो जरूर होगा, चाहे मैं जितना भी मना कर लूँ। गौरतलब है कि हाल ही में कपिल ने अपनी गर्लफ्रेंड गिनी चतरथ से शादी पर कहा था कि फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है और जो भी होगा आने वाले वक्त में सभी को पता लग जाएगा। अपने को स्टार्स के साथ मारपीट से लेकर खुद के शो पर आने, काम के अलावा काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने हो आप। जब आदमी टेंशन में होता है तब उसके पास सोचने की ताकत नहीं रह जाती है। साल 2016 के नवंबर से फरवरी 2017 तक मैं काफी टेंशन में था। मेरी फिल्म और शो की शूटिंग एक साथ चल रही थी, जिससे मैं बहुत स्ट्रेस में था। अपनी टेंशन को सॉल्व करने की बजाय मैंने शराब का सहारा ले लिया। बस वहीं से बुरा वक्त शुरू हो गया। एक और बात, जिस ऑस्ट्रेलिया टूर से लौटते वक्त मेरी अपने को-स्टार से लड़ाई हुई, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता था। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर के पैसे लौटाने के लिए भी तैयार था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हंसते हुए, खैर मैंने हमेशा अपनी गलती को स्वीकारा है और बदलने की कोशिश में भी लगा हूँ।